आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सदर अस्पताल के सिविल सर्जन जगदीश कुमार के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा ये गलत कर रहा है, एक और निगरानी रखी इसके ऊपर। तीन महीने के बाद फिर स्थिति अलग, स्थिति वही है, निगरानी झट के तुम जब मानसिकता नहीं बच सक सिस्टम मानसिकता जो है कि इस बात कही राजीव गांधी ने ये बात कही। और अब 30 करोड़ या उससे भी ज्यादा की राशि सिर्फ भोजपुर जिले के लिए खर्च हो जाती है, इसके लिए कुछ योजना को लागू कराने की बात है। गोल्ड कार्ड आपके यहाँ सिर्फ 25 बन पाया है, तो उसमें क्या क्या कमी आ रही है, लोग किन कागजात के साथ आए तो हो जाए? लोग का जानकारी के अभाव है, उसको सिर्फ हम लोग उसका राशन कार्ड मंगा रहे हैं, उसका नंबर डालने से वो गोल्ड कार्ड का अगर उसमें आते हैं उस कैटेगरी में तो तुरंत मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक ऑफिस खुला हुआ है आयुष्मान भारत का, आउटडोर के बगल में ही है, वहाँ दिखाने आवे या अस्पताल इमरजेंसी में या आउटडोर में वो राशन कार्ड लेके वहाँ जाएँ, देखेंगे मेरा नाम उसमें है कि नहीं, अगर होगा तो तुरंत राशन वो गोल्ड कार्ड मिलेगा, उसके जरिए उसको फ्री इलाज मिल, जब नहीं भी मिलेगा गोल्ड कार्ड तभी वो राशन कार्ड में अगर वो आ जाते हैं तो उसका इलाज उसी समय से शुरू होगा, कोई पैसा नहीं लगना है। अगर यहाँ संभव नहीं बाहर वाला अस्पताल में जाएगा तभी उनको वो लाभ मिलेगा। सर भोजपुर जिले में भी कई हॉस्पिटल हैं जो इस आयुष्मान भारत से जुड़ने की योग्यता रखते हैं, उसके लिए क्या वो ट्रैक नहीं हुआ, अभी ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हॉस्पिटल वाले को, ऑनलाइन अगर वहाँ हो गया तो वहाँ से हम लोग आ जाएगा पत्र कि हाँ ये हॉस्पिटल आप आयुष्मान भारत से ट्रैक हो गया, आप वहाँ उसका इलाज करा सकते हैं। भोजपुर जिले में और कहाँ कहाँ ये प्रक्रिया चल रही है जहाँ गोल्ड कार्ड? गोल्ड कार्ड तो सिर्फ 17 साल बन रहा है, अभी बाहर वाला जो प्राइवेट अस्पताल है वो अभी ट्रैक नहीं हुआ है, मतलब ऑनलाइन हुआ होगा अभी दिखा नहीं रहा। सर क्या PHC को भी इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा कि अगर कोई वहाँ पे भी राशन कार्ड लेकर जाए तो इंटरनेट से दिक्कत है? इंटरनेट से सुविधा उपलब्ध है, हम लोग करवाए हुए हैं कि वहाँ से रेफर करेगा हम लोग तुरंत उसको निकाल देंगे, इसीलिए आप लोग बुला दिए मदद के लिए कि लोग जाने तो कार्ड लेकर आवे, ऐसे निकलते निकलते तो टाइम लगेगा, फिर बांटे देंगे PHC में वो बांटेगा, उससे अच्छा कि यहाँ अगर लोग बनवा लेते तो हाथों हाथ ही मिल जाएगा उसको। सर प्राइवेट में भी लगभग हाँ प्राइवेट में भी होगा, अभी भोजपुर जिला में जो हॉस्पिटल ट्रैक होना है वो अभी ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, वो हो नहीं सका है संभव, अगर वो हो जाएगा तो मिलेगा, अभी भी शुरू हो गया है, अगर यहाँ संभव नहीं है बड़ा बड़ा ऑपरेशन है सड़क में आराम नहीं है तो बाहर जाकर करावे उसको फ्री होगा। अभी वो हमारे पास लिस्ट नहीं आया है कि कौन कौन अस्पताल जाएगा, उससे पटना में भी होगा बड़े बड़े अस्पताल है यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ अभी हमारे पास लिस्ट नहीं आया, जल्द ही वो लिस्ट आ जाएगा, जब लोग अप्लाई जैसे हमारे आँख वाले डॉक्टर लोग कुछ अप्लाई किया है, प्रत्येक जी भी अप्लाई किया है, ऑनलाइन हो जाएगा जैसे मुफ्त इलाज होगा इनके यहाँ। क्या अस्थायी डॉक्टर रहेंगे या बाहर से डॉक्टर मंगाएंगे? नहीं बाहर से नहीं आवेंगे, यहाँ जो डॉक्टर अपना इनके यहाँ होगा, बाहर मरीज को जाना होगा तो बाहर मरीज जाएंगे उसका इलाज वहाँ होगा। सर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है अगर उसके यहाँ जैसे डॉक्टर दांत के इलाज के लिए गया, इस बीच डॉक्टर को शक हुआ तो उससे कैंसर हो सकता है या कुछ जांच की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या वो बाहर से भी किसी विशेषज्ञ को बुला के कैंसर होगा, कैंसर का इलाज यहाँ जांच भी संभव नहीं है, उसके लिए तो उसको टाटा मेमोरियल जाना होगा या महावीर कैंसर संस्थान जहाँ हम लोग जानेंगे कि कहाँ सुविधा है, कहाँ जाँच हो सकता है, सही जगह भेजेंगे उसको, अब यहाँ सब टीम उठ के नहीं आ सकता है ना। या फिर कोई सर्जन अगर इलाज करा रहा है कि यहाँ कोई गया, अगर उसको लगता है कि ये सर्जरी किसी बाहर के डॉक्टर को बुला के कराया जाएगा तो क्या वो अपने नहीं वैसा आप जो सोचते हैं ना, सर्जन अपना अपना तरीका होता है, अपना इंस्ट्रूमेंट है, वो सब लेके नहीं आ सकता है। अब जैसे अभी जो आपका ये मैंने जो रेलवे वाला करवाया था तो हम लोग के यहाँ भी है डॉक्टर, लेकिन उसका तरीका अलग है, हम लोग मंगा कर असिस्टेंट दीजिए कुछ देखे वॉश करना ये करना, लेकिन करने वाला टेक्निक उसका अलग है, इसलिए वो वही करेंगे, वो अपना व्यवस्था।